नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल्स वीएस एजुकेशंस हब। इन दिस वीडियो आई एम हियर टू डिस्कस मिसिंग नंबर सीरीज के कुछ क्वेश्चंस जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। माय डियर एस्पिरेंट्स, मिसिंग नंबर सीरीज कल मैंने वीडियो अपलोड किया था अर्थमेटिक रिलेटेड क्वेश्चंस, और उससे पहले उससे एक दिन पहले मैंने वीडियो अपलोड किया था रॉन्ग नंबर सीरीज और डीआई, एंड देन आज अपन डिस्कशंस करेंगे मिसिंग नंबर सीरीज के क्वेश्चंस। ओके, प्रैक्टिस के लिए मैं वीडियो अपलोड करता हूँ, आई होप आप रेगुलर देखते होंगे। नहीं देखते तो प्लीज़ रेगुलर बनिए, रेगुलर देखिए वीडियोज़ को, आपको बहुत हेल्प मिलेगी। स्टार्ट करता हूँ आज का सेशंस, एंड बिफोर दैट अगर आप चैनल पर न्यू हैं, फर्स्ट टाइम शो देख रहे हैं, तो प्लीज़ फर्स्ट ऑफ ऑल सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को शेयर कर दें। अच्छा लगे, मेरी मेहनत आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक भी कर दीजिएगा। न्यू पैटर्न क्वेश्चन से सारे देखिए, कुछ न्यू पैटर्न क्वेश्चन हैं और कुछ ओल्ड पैटर्न पे क्वेश्चन हैं। बहुत से स्टूडेंट्स की डिमांड थी सर न्यू पैटर्न कुछ क्वेश्चन करवाइए नंबर सीरीज के, तो आज मैं आपके लिए न्यू पैटर्न लाया हूँ जो मेन्स के लायक क्वेश्चन है। मेन्स में ऐसा क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ओके, आइए देखते हैं। ओके, आज अपनी 25th क्लास है, 24th कंप्लीट हो चुकी है, आप इसको भी देख लीजिएगा, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू इंपॉर्टेंट है, अपनी प्रैक्टिस जारी रखिएगा। ओके, आइए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए 121, मैं आपको बता दूं 120 तक मैं वीडियो कंप्लीट कर चुका हूँ लास्ट 24 क्लासेस में। ओके, 24 क्लासेस में टोटल्स कंप्लीट हो चुके हैं। 150 क्वेश्चंस की सीरीज है। पीडीएफ चाहिए तो बता दीजिएगा, मैं आपको पीडीएफ दे दूंगा प्रैक्टिस के लिए। ओके, अब क्वेश्चंस देखते हैं, करना क्या है। अब देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल ये है 121 क्वेश्चंस, क्वेश्चंस देख रखा है 5, 7, 10, 36, 136 एंड देन 690, राइट। ये आपका क्वेश्चन है, अब इसको क्या करना है। देखिए ये क्वेश्चंस दे रखा है, व्हाट विल बी कम इन प्लेस ऑफ ई, यानी कि ई की जगह क्या आएगा। इस सीरीज को पहले आइडेंटिफाई करना है, फिर उसके जो आपका कंपेरिजन्स निकलेगा उसको यहाँ पर कम आप तरह से कह सकते हैं। वहाँ टू एक सीरीज का फर्स्ट नंबर है, उसके बेसिस पे जो पैटर्न आपको मिलेगा उस पैटर्न से आपको मिला के बताना है कि ई की जगह आपके क्या आएगा। ये आपका क्वेश्चन है, ये ऑप्शन है आपके सामने, इसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा ये क्वेश्चन है। थोड़ा सा टाइम टेकिंग है, एग्जाम्स में मेंस का क्वेश्चन है, प्री में इस टाइप के नहीं आ सकते, मेंस में ऐसा हो सकता है कि आ सकता है। ओके, अपन करते हैं कुछ प्रैक्टिस ताकि आपको क्लियर भी हो जाए, राइट। देखिए पहले हम इसकी पैटर्न ऑब्जर्व करते हैं, क्या है पैटर्न। देखिए 5, 7, 10 एंड 36, 136, 690, राइट, ये आपका क्वेश्चन है। तो देख सकते हैं 5 से 7, 7 से 10, 10 से 36, यहाँ का इंक्रीजिंग ऑर्डर देखिए, यहाँ का इंक्रीजिंग ऑर्डर देखिए। देखिए 13 ये आपका, यहाँ तो एब्सोल्युटली लग रहा है कि ये 5 times है, राइट। यहाँ पर देखिए 72 का डबल होता है आपका 144, तो ये भी आपका 4 times है करीबन करीबन। तो यहाँ से तो लग रहा है कि 3 times है, राइट, यहाँ से लग रहा है कि 2 times, ओके, यहाँ से ये लग रहा है 1 times। 1 × 1 + 2 करेंगे, × 7 − 2 करेंगे, −4 करेंगे, 7 × 2 = 14 − 4 = 10, राइट। 10 = 36 + 6 करेंगे तो अपने पास 36 आएगा, राइट। यहाँ पर देखिए 144 − 8 करेंगे तो अपने पास 136 आएगा, 2, 4, 6, 8 एंड देन यहाँ पर प्लस का 10 आना चाहिए, देखते हैं कैसे। इसको देखिए 136 है ना, इनटू 5 से मल्टीप्लिकेशन करनी है, तो इसको पहले 10 से मल्टीप्लिकेशन किया 30, 60, अब हाफ कर दीजिए, डिवाइड बाय 2 कर दीजिए, 1200 का हाफ हुआ 600 और 1 आपके बचा 160 का हाफ हुआ 80, प्लस 10 करेंगे तो 690, बिल्कुल करेक्ट है, ये आपका इसका पैटर्न है। अब इसी सेम चीज़ को यहाँ पर अपने को पुटअप करना है और ई की वैल्यू अपने को फाइंड आउट करनी है। ओके, अब देखिए कैसे होता है, हाइट 2 पहला दे रखा है, हाइट, वन सेकेंड मैं इंक चेंज कर लेता हूँ ताकि आपको क्लियर समझ में आए। ओके, 2 यहाँ पर दे रखा है, 2 से × 1 करेंगे, हाइट, × 1 करेंगे, +2 करेंगे, 2 × 2, 2 × 1, 2 + 2 = 4, हाइट। देखिए नेक्स्ट होगा 4 × 2, 8, 4 × 2, 8 − 4, हाइट, −4, यानी कि यहाँ पर अगेन 4, हाइट,
फोर इंटू थ्री राइट, यहाँ पर वन हुआ, यहाँ पर टू हो गया, यहाँ पर थ्री, देखिए फोर इंटू थ्री 12 प्लस 6 18 यहाँ पर आएगा राइट, यहाँ पर 18 फोर जा आपकी 72, 72 माइनस 8 करेंगे तो माय डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर 64 आएगा राइट। ये हो गया आपका ए बी बी सी डी, नेक्स्ट आपका ई आएगा राइट। नेक्स्ट आपका करेक्ट आंसर होगा 64 इंटू 5 यानी कि 320, 320 प्लस 10 यानी कि 330 राइट, 330 आपका करेक्ट आंसर होगा। दैट इज द बी ऑप्शंस इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चंस। न्यू पैटर्न था, मैंने समझा बहुत से स्टूडेंट्स की डिमांड से सर न्यू पैटर्न के क्वेश्चंस करवाइए, तो आप देख सकते हैं किस बेसिस पे ये इस टाइप के क्वेश्चंस आपको पूछ सकता है, हाई से हाई लेवल है। ओके समझ में आया कि हाँ सर अच्छा लगा तो प्लीज कमेंट बॉक्स में यस लिख के बताएं, अगर समझ में आया तो प्लीज कमेंट बॉक्स में डन लिखें और थम्स अप जरूर दें कि हाँ सर अच्छा लगा। मूविंग ऑन चलता हूँ नेक्स्ट पे, देखिए अगेन ये क्वेश्चन है आपके लिए, देखिए इस क्वेश्चन का भी पैटर्न अपन करते हैं। देखिए फोर से आपको 5 से 22, 22 से 201 आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है डी की राइट। ये तो क्वेश्चंस थोड़ा स्पीडली करेंगे, देखिए यहाँ से लग रहा है कि इंटू फोर इंटू वन राइट, इंटू वन प्लस वन है राइट, यहाँ पर इंटू फोर प्लस टू है, बिल्कुल सही जा रहा है राइट। यहाँ पर देखिए इंटू नाइन प्लस थ्री है राइट, इंटू नाइन प्लस थ्री करेंगे तभी अपने पास 201 आएगा, कैसे इंटू नाइन करेंगे 198 प्लस थ्री इज इक्वल टू 201 राइट। एंड देन यहाँ पर अपने को ऑब्जर्व करना है सेवन से, वन सेकेंड चेंज योर, देखिए इस यहाँ पर अपने को सेवन करना है, सेवन इंटू वन इज इक्वल टू सेवन प्लस वन राइट, एट एट फोर जा एट फोर जा 32 प्लस थ्रू राइट 34, ओके इंटू नाइन की मल्टीप्लिकेशंस करनी है राइट, नाइन फोर जो नाइन, देखिए नाइन इंटू 30 कीजिए पहले राइट, नाइन इंटू 30 270 राइट, नाइन फोर जो 36 राइट, यहाँ पर 36 तो 36 इसमें ऐड कर लीजिए प्लस थ्री राइट, प्लस थ्री इसमें ऐड कर लीजिए राइट, थ्री और सिक्स नाइन यहाँ पर राइट, थ्री टू सेवन यानी कि 309 राइट, 27 प्लस 3 यानी कि 30 3309 यानी कि ये आपका ए हुआ, ये आपका बी हुआ, ये आपका सी हुआ राइट। पूछा क्या है हमने को, पूछा है डी का, तो अगेन आपको एक चीज और निकालनी पड़ेगी डी का। देखिए डी का अपने को पूछा है तो यहाँ पर इंटू नाइन, यहाँ वन फोर, यहाँ पर अगेन आपका 16 आएगा राइट, 16 प्लस 4 आना चाहिए, तो इट मीन 16 की मल्टीप्लिकेशन 16 थ्री जा 48, 169 जा 144 प्लस 1 राइट, तो 48 49 45 राइट, 49 45 यानी कि 49 45 इज द करेक्ट, 49 45 49 45 नॉट एट ऑल्स, इट मीन्स ई, नन ऑफ दिस इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। समझ में आया, अच्छा क्वेश्चन था, थोड़ा सा टाइम टेकिंग क्वेश्चन होते हैं इस टाइप के, तो प्लीज़ ध्यान से सॉल्व कीजिएगा, मैंने जिस बेसिस पे सॉल्व किया है वैसे ही आपको सॉल्व करना है क्वेश्चन को। ओके यहाँ पर प्लस फोर है तो वन, यहाँ पर फोर आएगा, सॉरी यहाँ पर 49 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
देखिए अगेन आपके जो सेम पैटर्न पे क्वेश्चंस करते हैं वह क्वेश्चंस है, ये क्वेश्चंस स्टूडेंट्स ने सेंड किया है सर, ये क्वेश्चंस करवाइए, अच्छा क्वेश्चंस है, ध्यान से देखिएगा। 25, 128, 237 राइट, 364, 501 एंड देन क्वेश्चन मार्क। ओके यहाँ से अपन देख सकते हैं कि यहाँ से डिफरेंसेस है 103 का राइट, यहाँ से अपना डिफरेंसेस है 109 का राइट, क्योंकि 100 का एब्सोल्युटली लग रहा है राइट, यहाँ से अपना डिफरेंस है 127 का राइट, यहाँ से अपने को लग रहा है कि दैट इज द डिफरेंस 6 + 1 7 यानी कि 30 के रिमाइनिंग, तो 137 का डिफरेंस यहाँ पर है।
अब देखिए, जो मेरा रेगुलर सब्सक्राइबर है, जो मेरा रेगुलर क्वेश्चंस करता है, प्रैक्टिस करता है, गारंटी है वह ऐसे क्वेश्चंस तो जरूर कर लेगा, राइट। अगर नहीं करता तो प्लीज़ डेली प्रैक्टिस कीजिए, गारंटी है आप भी बहुत अच्छे से सॉल्व करके लग जाएंगे, राइट। अब देखिए, 103 109, दैट इज द, ये देख रहे हैं आप, ये आपके प्राइम नंबर है, राइट। प्राइम नंबर सीरीज चल रही है। अब प्राइम नंबर कैसे हैं, 103 109, यहाँ पर एक मिसिंग है प्राइम नंबर 107, राइट। इट मीन्स एक प्राइम नंबर यहाँ पर मिसिंग हो, 109 से 127, राइट, 109 से 127, राइट। ये आपका, देखिए यहाँ पर 109 है, यहाँ पर 127 है, तो अगेंस्ट आपका प्राइम नंबर 113 यहाँ पर मिसिंग है, राइट। एक सीरीज इट मीन्स ये आपके ड्रॉप करके चल रहा है, राइट। यहाँ से 131 एक प्राइम नंबर यहाँ पर मिसिंग है, राइट। तो नेक्स्ट आपका एक चीज, ये चीज आप कह सकते हैं 129, यहाँ पर 139 यहाँ पर नहीं होगा, तो यहाँ पर 149 आएगा, राइट। कह सकते हैं 137, यहाँ पर 138 तो मल्टीप्लिकेशन्स है, 139 ही होगा, 140 है, 141 है, राइट। तो 149 अपन यहाँ पर ऐड करेंगे, तो आंसर्स विल बिकम 9 और 1 10 और 4 और 1 5 एंड 5 और 1 6, यानी कि 650 इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चंस, राइट। क्लियर हुआ, समझ में आया कि हाँ सर हमको समझ में आया, तो प्लीज़ एक बार लाइक बटन पर जरूर प्रेस कर दीजिएगा, सर हमको समझ में आया। ओके, मूविंग ऑन चलता हूँ नेक्स्ट पे। कोई भी चीज़ पूछनी हो, कोई भी चीज़ नहीं समझ में आती, तुरंत कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप कीजिएगा, मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया है, आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट देखिए, ये क्वेश्चंस हैं, ये भी क्वेश्चंस जो रेगुलर स्टूडेंट्स हैं, गारंटी है वह क्वेश्चंस इस क्वेश्चंस को कर लेंगे। ओके, देखिए क्या है, 24 122 342 340 726 1328 एंड क्वेश्चंस मार्क, यहाँ से लग रहा है कि ये सीरीज किस बेसिस पे। यहाँ देखिए 9 का क्यूब चल रहा है, राइट, यहाँ 7 का क्यूब के अप्रोक्स है। ये कब आएगा, जब आप प्रैक्टिस करेंगे तभी आएगा, नहीं तो आप इजी से इजी क्वेश्चंस भी इस बेसिस पे छोड़ के आओगे कि मेंस का क्वेश्चंस है, राइट। 5 का क्यूब, राइट, 5 7, यहाँ पर आपका 3 का क्यूब हुआ, राइट, 3 5 7 9 एंड देन यहाँ पर 11, तो नेक्स्ट आपका 13, राइट। देख सकते हैं 3 का क्यूब -3 हुआ, यहाँ 5 का क्यूब -3 हुआ, यहाँ 7 का क्यूब -3, यहाँ 9 का क्यूब -3, यहाँ 11 का क्यूब -3, यहाँ 13 का क्यूब -3। 13 का क्यूब कितना होता है, देखिए 11 का स्क्वायर 13 31, राइट, एंड 12 का स्क्वायर 17 28 एंड 11 का स्क्वायर था 21 97। -3 = 21 94, राइट, 21 94 इज द करेक्ट, इट मीन सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। 20 तक तो क्यूब आपको लर्न होने ही चाहिए, तभी आप क्वेश्चंस इजीली कर पाओगे, राइट। समझ में आया तो प्लीज़ बताइए अच्छे लग रहे हैं क्वेश्चंस कि हाँ सर अच्छे लग रहे हैं, लाइक बटन पर जरूर प्रेस करें। एक क्वेश्चन ये भी देख लीजिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और बहुत ही इजी क्वेश्चन है, पीओ प्री का लेवल का क्वेश्चन है ये। ओके, 4 और 8 9, यहाँ से देख सकते हैं into 2 का मल्टीप्लीकेशन +1 है, राइट, 9 3 27 +1 है, राइट। यहाँ पर देखिए into 2 +1 है, राइट, यहाँ पर into 3 +1 है। सीरीज क्लियर, सीरीज समझ में आई, ये तुरंत आएगा जब एग्जाम्स में क्वेश्चंस करेंगे, बहुत सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस होंगे, गारंटी है आप मेरी सीरीज के 150 क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लीजिए, कहीं नहीं जाएगा एग्जाम्स में आपका। into 3 +1 होगा, राइट, 60 into 3 किया अपने 180, -3 3 9 +1 करेंगे अपन, तो यहाँ पर देख सकते हैं -8 8 माइनस कर दीजिए, तो डेट इज द
172 is the correct. It means A options is the correct answer of this particular questions. समझ में आया? अच्छा लगा तो please like करके जरूर जाएगा, मेरी मेहनत आपको अच्छी लगी तो. ओके, कुछ भी चीज़ आप सीख पाएँ 10% भी, तो प्लीज़ लाइक करके जाइएगा. लाइक ही मेरा मोटिवेशन से. सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ पहले सब्सक्राइब कर लें, ताकि इस टाइप के आपको वीडियो रेगुलर मिलते रहें. ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग्स एंड शेयरिंग्स. आई होप यू आर एन्जॉय द सेशंस. इफ आई एन्जॉय द सेशंस तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल. थैंक यू सो मच फ्रेंड्स. स्टे योर होम, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए. थैंक यू सो मच.